बॉबी झा एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पक्ष कार्यालय में हंगामा, पीएम पर जमकर बरसे तेजस्वी, कहा नौजवान मांगता है रोजगार तो मोदी बोलते हैं पकोड़ा बेचो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली हरियाणा में आएंगे एक साथ, पंजाब में भी मिल सकती है हाथ। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पक्ष के खासदार निखिल कुमार इनके लोकसभा के टिकट कट जाने से खासदार कुमार इनके समर्थकों पटना यहां कांग्रेस के कार्यालय में भारी मात्रा में हंगामा किया। पुलिस और अन्य कार्यकर्ताओं के बीच में आखिर ये झगड़ा सुलझाया, पर फिर भी खासदार कुमार इनके समर्थकों कांग्रेस पक्ष के बड़े पदाधिकारी पर गंभीर आरोप किया। बिहार में गठबंधन हो गया है, उसके चलते औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ से महाअघाड़ी से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के उपेंद्र प्रसाद इनको उम्मीदवार देने में आई है। औरंगाबाद यहां से खासदार निखिल कुमार इनका पता कट ढोने से खासदार कुमार इनके समर्थकों के बीच ज्यादा मात्रा में आक्रोश बढ़ते देखा गया, जिसके चलते उनके समर्थकों को पटना यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोरों से हंगामा किया। पार्टी ने लोकसभा से पता कट कर जाने से खासदार कुमार काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। राजद नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि जब देश का नौजवान रोजगार मांगता है तो पीएम उसे पकोड़ा बेचने को कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कितनी मेहनत और परिश्रम से नौजवान पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करता है और उसे मोदी जी पकोड़ा बेचने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या पकोड़ा बेचने के लिए ही देश का नौजवान डिग्री हासिल करता है। वहीं सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रवेश में नौकरी शाही पूरी तरह से हावी हो गया है। लालू जी के राज में किसी भी अधिकारी के चेंबर में घुसकर कोई भी अपना काम करा सकता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पर आखिरकार फैसला हो ही गया और अब दोनों ही पार्टियां दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। वही पंजाब पर भी जल्द ही दोनों के एक साथ आने का फैसला होगा। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली और हरियाणा में दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर गठबंधन करेगी तो इस बात पर अभी निर्णय लेना बाकी है। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुद्दे दिल्ली और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को भी हासिल कर सकती है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।